नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे और आपके हिंदी यूट्यूब चैनल आरोग्यम में। आज जो मैं घरेलू नुस्खा आप सभी के लिए लेकर आई हूँ, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप मेलेस्मा को घर पर ही कैसे ठीक कर सकते हैं बहुत ही आसान से उपाय अपनाकर। मेलेस्मा एक कॉमन स्किन प्रॉब्लम है जिसमें झाइयों की तरह स्किन पर डार्क पैचेस बन जाते हैं और वो देखने में बहुत ही भद्दे लगते हैं। तो आज मैं आपको 3 नुस्खे बताऊंगी जिन्हें आप अपनाकर इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढूं, अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि हम हमारे चैनल पर घरेलू नुस्खे, प्रिवेंटिव मेडिकेशन और छोटी मोटी बीमारियों के आयुर्वेदिक समाधान आपके सामने लाते रहते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने स्वास्थ्य को घर बैठे ही दुरुस्त रख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल की लेटेस्ट हेल्थ अपडेट्स मिलती रहे, और वो भी सबसे पहले। अब बढ़ते हैं हम अपनी पहली टिप की तरफ। इसके लिए आपको चाहिए 1 चम्मच चंदन पाउडर, उसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच नींबू का रस और साथ ही हम डालेंगे 1 चम्मच गुलाब जल। अब आपको इन तीनों चीजों को अच्छे से मिलाना है और एक पेस्ट बनाना है। इस पेस्ट को आपको अपने चेहरे के उन जगहों पर लगाना है जहाँ पर आपके डार्क पैचेस हैं, और इसको लगाने के बाद आप इसको 20 से 30 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद आप ठंडे पानी से अपने चेहरे को धो लीजिए। आपको ऐसा हफ्ते में 3 से 4 बार करना है। तो ये थी हमारी पहली रेमेडी। अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी टिप की तरफ। उसके लिए हमें चाहिए प्याज का रस। यहाँ पर मैंने 1 प्याज को कस लिया है और उसका रस निकाल लिया है छान कर। अब इसके अंदर हम मिलाएंगे 1 चम्मच नींबू का रस। प्याज में बहुत अधिक मात्रा में सल्फर होता है जो आपके चेहरे के जो दाग धब्बे हैं उनको कम करने में बहुत ही मदद करता है। आपको इस लिक्विड को एक कॉटन की मदद से अपने चेहरे पर लगाना है और 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। फिर उसके बाद आप इसे ठंडे पानी से धो लीजिए। अब बढ़ते हैं हम अपनी तीसरी रेमेडी की तरफ। इसके लिए हमें चाहिए 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, और उसमें हम मिलाएंगे 2 चम्मच कच्चा दूध। अब इस मिक्सचर को हम अच्छे से मिला लेंगे। इस पेस्ट को भी आपको अपने उन डार्क पैचेस पर लगाना है और 20 मिनट के लिए लगे रहने देना है। फिर उसके बाद आप ठंडे पानी से इसको धो लीजिए। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो स्किन को अंदर से हील करते हैं। आप इन रेमेडीज को हफ्ते में 3 से 4 बार करके देखिए। तो ये सिर्फ मेलेस्मा के लिए ही नहीं, बल्कि आपकी अगर स्किन पर कोई और प्रॉब्लम है, अगर कोई दाग धब्बे हैं, पिंपल के निशान हैं, तो उसको भी ये कम करने में आपकी बहुत मदद करेगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है इस रेमेडी से रिलेटेड या हमारे कोई और वीडियो से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाके हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं या अपने सुझाव हमसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपके सभी सवालों का जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूंगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज उसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आरोग्यम आपके निरोगी जीवन की कामना करता है। धन्यवाद।